हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वो ब्रेकफास्ट या वो टिफिन रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि 90s में या फिर 2000s में मम्मीज बना के देती थी मॉर्निंग में बच्चों को, और वो बहुत खुशी खुशी लेके जाते थे। तो आज मैंने लिया है 6 टीस्पून बेसन, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड मिर्ची पाउडर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हल्के से मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसमें ऐड किया वाटर, और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ आपको वाटर ऐड नहीं करना है, वरना बैटर की कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं बनेगी। मैंने हाफ ग्लास से थोड़ा और इसमें ऐड किया है वाटर, और कंसिस्टेंसी बराबर बन गई है। विस्कर की हेल्प से लम्स नहीं होंगे। देखो, कुछ इस तरीके से बनानी है, थिक लेकिन थोड़ी फ्लोइंग भी होनी चाहिए। यहीं पे ही आपको सॉल्ट की टेस्ट चेक करनी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सोडा डाली है खाने वाली, और एक्टिवेट करने के लिए हॉट ऑयल। अब इसको करेंगे फटाफट से मिक्स, और अब जैसे ही मिक्स करेंगे बैटर थोड़ा फ्लफी होता जाएगा, मतलब ये रेडी। यहाँ पे ली है मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप विप्सी लें, टेस्ट अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड को ग्रीन चटनी के साथ कोट कर दिया है, और 2 को टमाटो सॉस के साथ। अब मैं ऑपोजिट इसको फिक्स करूंगी, यानी कि एक मैं लूंगी टमाटो सॉस और एक ग्रीन चटनी, हल्के से प्रेस करके दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। और आपको ये ध्यान देना है कि आप न ज़्यादा टमाटो सॉस लगाएंगे न ही ज़्यादा ग्रीन चटनी, वरना ब्रेड सॉगी भी हो सकती है। अब मैं इसको करूंगी ट्राइंगल शेप में कट। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। तो ब्रेड सैंडविचेस यहाँ पे रेडी हैं, और साइड बाय साइड मैंने ऑयल को यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया था, और ये प्रॉपरली गरम हो चुका है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन जो मैंने बना के रखा था, और यहाँ पे थोड़ा ऑयल गरम है तो मुझे ध्यान देना पड़ रहा है, और अच्छे से कोट करना है। चारों बाजू आपके लगना चाहिए ब्रेड के, वरना कहीं से आपको ब्रेड दिखेगी और कहीं से बेसन। अगर आपके पैन बड़ी है तो आप इसमें 2 पीसेस डाल सकते हैं एक साथ, अगर नहीं है तो आप 1 by 1 डालिए, वरना ये एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बस 2 मिनट्स के बाद इसको टर्न करना है, और अगर ऐसे स्टिकी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हल्के से इसको धीरे धीरे साइड से छुड़ाना है। अब टाइम है इसको अल्टी पल्टी करने का, और आप देख सकते हैं ये एक बाजू एकदम रेडी है, और अब हम इसको फ्लिप करके दूसरे साइड कर रहे हैं फ्राई। जल्दी जल्दी फ्राई करके निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कच्चा लगेगा, और आपको जो रियल टेस्ट चाहिए वो नहीं आएगी। और ये फ्राई होके बिल्कुल रेडी है। फ्राई की हुई चीज को टिश्यू पे डैप करना बहुत जरूरी है, इससे एक्सेस ऑयल निकल जाता है और खाने में भी नहीं। गाइस, फाइनली रेडी है बचपन के पकौड़े। जी हाँ, मैं ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि मम्मी हमें ये टिफिन में दिया करती थी, और हम लोग वेट करते थे कि कब हमें स्कूल में ब्रेक मिले तो हम फटाफट से इसको खाएं। आज की ये रेसिपी देखिए, सब मम्मियों की मेमोरीज एकदम ताजा हो गई होगी कि कैसे हम टिफिन ओपन करते थे एक्साइटमेंट में, और ये पकोड़े खाने का वेट करते थे। तो गाइज, मुझे कमेंट जरूर करना कि आपने ये घर पे कभी बनाए हैं, और आपने कब ये खाए हैं बच्चों के साथ मिलके। तो जल्दी से घर पे आप भी बनाइए बिल्कुल सिंपल और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी, और मुझे कमेंट जरूर करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टिल देन, खाओ पियो खुश रहो।